Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal marhum. Muhtaram Hazrat Amir Syariat Sahab Dawat Barakatuh. Hazrat Naib Amir Syariat Sahab जनरल सेक्रेटरी साहब, दीगर फजात किराम, उलमाए इज़ाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम है कि उस पाक परवरदिगार ने हम सब को इस इल्मी मुज़ाकरा में छोड़ा। मेरा जो इल्मी मुज़ाकराती सफ़र है वो दरअसल इसी सरजमीन से है। मैं 20-22 साल कबल जब मैं इमारत शरिया में बहाल हुआ था सन 2000 में, तो उस वक्त के पति हजरत मौलाना काजी मुजाहिदुल इस्लाम कासमी रहमतुल्लाह अलैह काजी कज़ात इमारत शरिया बिहार उड़ीसा झारखंड ने यहाँ कज़ात की तरबियत के लिए इमारत शरिया से एक वक्त भेजा था, उसमें ये हदीद भी शामिल था। मैं 22 साल का उस वक्त था, लेकिन यहाँ के बुजुर्गों की शफ़क़त मोहब्बत इनायत ने मुझे कुछ बोलने पर मजबूर किया। मैं उस वक्त तकरीबन 10 दिन यहाँ मुकीम था और उस 10 दिन में मैं समझता हूँ कि मैंने यहाँ दिन रात मेहनत की, कज़ा के तरबियत के ताल्लुक से यहाँ के लोगों को क्या फ़ायदा हुआ वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस तरबियती कैंप से मुझे ज़ाती तौर पर बहुत फ़ायदा हुआ। मैं यहाँ मेहनत इस हद तक करता था कि सुबह जब तरबियत का प्रोग्राम शुरू होता था तो रात के 12 बजे तक उस प्रोग्राम से मुंसलिक रहता था। यहाँ पे सारी इत्तलात और सारे अहकाम को जो फर्द अहकाम पर लिखे जाते हैं, जो फरीकैन को नोटिस जारी की जाती है, वो सब को मैं बोर्ड पर लिख कर समझाता था। इसकी वजह से जब तक मैं यहाँ रहा मेरे दाएं हाथ में मुस्तफिल दर्द रहता था, इतना लिखना पड़ता था। उस लिखने की वजह से मुझे बड़ा फायदा हुआ। आज फिर ये मौका मिला है तो इंशाअल्लाह ताला आज भी अल्लाह की दाद से उम्मीद करता हूँ कि कुछ न कुछ जरूर फायदा होगा। हजरत अमीर शरीयत दामत बरकातहू के साथ अभी खाना खाने के बाद मैं आ रहा था तो हजरत अमीर शरीयत दामत बरकातहू ने ये हुक्म दिया कि थोड़ी देर कज़ा की कार्रवाई से मुतालिक भी बोलना है। मेरा वक्त बहुत कम है, मैं कोशिश करूंगा 10 मिनट उस पर भी कुछ बोल दूं। मोहतरम हजरात, ये वक्त सिर्फ इस्लाम में ही नहीं है बल्कि ये रवाज, ये सिस्टम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले भी था। क्या होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के बाद इसमें कुछ मजबूती आ गई, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो दुनिया को बनाया है इसमें तारीख इंसानी में समाज के अफराद दौलत गुरबत सरवत इकलास और कुव्वत कार और कुव्वत अमल में ये कभी बराबर नहीं रहे, इसमें हमेशा फर्क रहा। कुछ लोग इस दुनिया में मालदार रहे तो कुछ लोग गरीब रहे, कुछ लोग काफी मजबूत जिस्मानी तौर पर रहे, ज्यादा मेहनती रहे, तो कुछ लोग कमजोर रहे और वो कम काम करते। अल्लाह ताला ने कायनात और इंसान की तख्लीक के साथ साथ जमीन व आसमान में बेशुमार खजाने और बहुत सारी चीजों को पैदा किया और इन तमाम चीज़ों को अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए मुसख़र कर दिया, लेकिन हालात और ये मुख्तलिफ शक्लें और ये जो इफलास और गुरबत में फ़र्क, माल दौलत और इफलास में फ़र्क, इसकी वजह से कभी कभी मुस्तहिक़ीन और मुस्तज़फ़ीन महरूम कर दिए जाते थे। और ऐसा होता था कि यतीम खाने के लिए परेशान हो जाते थे, यतीम लिबास के लिए परेशान होते थे, यतीम गिज़ा के लिए परेशान हुए तो कभी दवा इलाज के लिए परेशान हुए, बेवाएं मजबूरियों की वजह से दर दर की ठोकरें खाती थी
भीख मांगने पर मजबूर हो जाती थी और बीमार इलाज नहीं होने की वजह से, उनके पास वसाई न होने की वजह से